कैबिनेट की बैठक के दौरान सीएम कमलनाथ और सिंधिया खेमे के मंत्री प्रद्युमन सिंह से भिड़ गए। सूत्रों के मुताबिक मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तीखी बहस भी हुई। देखिए खास रिपोर्ट। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच हुआ पंगा। सीएम कमलनाथ से भिड़े सिंधिया के करीबी मंत्री। सिंधिया समर्थक मंत्री ने कैबिनेट बैठक में तोड़ी मर्यादा। मुख्यमंत्री और मंत्री के विवाद से गरमाई सियासत। सुनिए सीएम साहब, ऐसे नहीं चलेगा। कैबिनेट बैठक में यह बात सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जब सीएम कमलनाथ से कही तो सन्नाटा छा गया और उपस्थित सभी मंत्री और अधिकारी हैरान रह गए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में पिछले सालों का अगर इतिहास देखा जाए तो छोटी मोटी नोकझोंक तो हो ही जाती है, लेकिन जिस तेवर में सिंधिया के समर्थक मंत्री ने कैबिनेट की मर्यादा तोड़ते हुए सीएम से बात की, यह तो इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। जानकारी के अनुसार मंत्रियों के विभागों में हस्तक्षेप न करने की बात को लेकर यह बहस शुरू हुई और सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने एक स्वर में अपने तेवर दिखाना शुरू किए। इसी संदर्भ में जब बात आगे बढ़ी तो सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तीखे स्वर में कहा, सुनिए सीएम साहब, ऐसा नहीं चलेगा। तो जवाब में सीएम कमलनाथ ने कहा, मैं जानता हूँ किसके कहने पर यह कह रहे हो। सूत्रों की अगर माने तो बैठक में कमलनाथ समर्थक मंत्री सुखदेव पांसे ने मंत्रियों को समझाया। वहीं तीखी बहस के दौरान सिंधिया समर्थक अन्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पक्ष में उतर आए। इन्होंने एक सुर में कहा कि हमारे विभागों में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।